नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर का रायता, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का चुकंदर ले लिया है। अच्छे से इसे धो के छील के और इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो रायते के लिए हमें चाहिए दही। तो यहाँ पर मैं 2 कप दही ले रही हूँ, जो बिल्कुल घना है, पानी वाला और खट्टा दही नहीं लेना है। और इसे अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और हमने रख ली है एक कढ़ाई। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हो। तेल गरम करने के बाद इसमें अब हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच जीरा और जीरे को चटकने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच राई, जिसे मस्टर्ड सीड भी बोला जाता है। चटकने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता, 7-8 कड़ी लीव्स जो है मैंने ले ली हैं। अब इसे भूनने के बाद हम चुकंदर को डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसी तरह से हम इसे पका लेंगे। चुकंदर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक। मिला लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3-4 चम्मच पानी के, ताकि नमक और पानी से ये सॉफ्ट हो जाए जल्दी। तो इसे हम इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से और अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और 3-4 मिनट इसी तरीके से हम इसे मीडियम गैस में पकने देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोल लेंगे और ये देखिए इस तरह से चुकंदर जो है सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रहने देंगे और यहाँ पे हम दही में अब मसाले जो हैं ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच जो है भुना हुआ जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 से कम चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। मिला लेंगे इनको अच्छे से। सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और जो चुकंदर हमने ठंडा होने के लिए रखा है वो भी ठंडा हो चुका है अब। और इसमें हम ऐड कर लेंगे, हमें गरम चुकंदर नहीं डालना है, ठंडा करके ही डालना है, नहीं तो ये रायता ख़राब हो सकता है। तो दही में हम सारा चुकंदर जो उसे ऐड कर लेंगे। मिला लेंगे अच्छे से। दोस्तों ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है, आयरन कैल्शियम से भरपूर है। चुकंदर वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो रायता बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट लगेगा आपको और जो बहुत ही सेहत के लिए भी अच्छा है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर इसका आ गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पत्ती मिला लेंगे अच्छे से। आप इसमें हरी मिर्च तड़के में भी डाल सकते हो, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। तो इसमें मैं अभी इसे गार्निश करने के लिए एक हरी कटी हुई मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ती ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा रायता जो है वो बनके तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। लौकी और खीरे का रायता तो सबने खाया है, एक बार इसे भी ट्राई कीजिए।
रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।